हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इसे हम समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है राहुल, उसके पास दो ऑप्शंस है। वो आइसक्रीम खा सकता है या फिर कैंडी खरीद सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने पैसे है। तो आइसक्रीम की प्राइस अगर 20 रुपये है, अगर राहुल के पास 20 रुपये है तो राहुल आइसक्रीम खा सकता है, और अगर उसके पास 20 रुपये से कम है तो आइसक्रीम नहीं खा सकता। तो इसी सिचुएशन को लेकर हम एक सिंपल कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मनी नाम का। और अब मैं यहाँ पर एक सिंपल इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ जिससे कि हमें पता चल जाएगा इफ़ एल्स कंडीशन लगा लेता हूँ जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि राहुल आइसक्रीम खा सकता है या नहीं। पहले मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ कंडीशन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़, और पैरेंथीसिस के अंदर हम देते हैं हमारी जो भी कंडीशन होती है वो हम पैरेंथीसिस के अंदर हमारी देते हैं। तो मैंने यहाँ पर मनी नाम का वेरिएबल हमारी इफ़ कंडीशन के पैरेंथीसिस में ले लिया है। तो मनी को हम कंपेयर कर रहे होंगे कि मनी जो हमारा मनी है वो 20 से ज़्यादा है या 20 के इक्वल है, इसलिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर हमारी ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हम कह सकते हैं कि राहुल आइसक्रीम खा सकता है। इसे एक बार अगर हम रन कर ले तो हमें दिखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 रुपये ही है, अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई तो कुछ भी रन नहीं हुआ। तो अब कुछ भी नहीं रन हुआ, हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ तो रन होना चाहिए, इसलिए हम यूज़ करेंगे अब एल्स कंडीशन का। जब भी हमारे पैसे 20 रुपये से नीचे होंगे तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, और हर फॉल्स के केस में ये एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये एल्स का स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ, इसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। यू नॉट, तो मैंने ये एल्स का स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पर, जिसमें अगर हमारे पैसे 20 रुपये से कम हुए तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि है ये वाला, और इसमें हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा होगा यू कैन नॉट हैव आइसक्रीम। तो आप देख सकते हैं रन करने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है, हमें डिस्प्ले हो चुका है कि हम आइसक्रीम नहीं खरीद सकते। तो एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल था। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर भी हम काफ़ी सारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं जिन्हें हम नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स कहते हैं, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर राहुल को और एक ऑप्शन मिल गया, उसके पास अगर 20 रुपये से ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास 100 रुपीज़ है, तो एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकता है, तो पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकता है। तो उसके लिए भी हमें एक कंडीशन लगानी होगी। तो इस इफ़ के ऊपर ही मैं एक इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। तो मैंने यहाँ पर और एक इफ़ कंडीशन लगा दी है, तो जिसमें इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन 100। तो इस वाली इफ़ कंडीशन में हम चेक कर रहे होंगे अगर हमारे पास 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है तो हम पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हम एक इफ़ लगाए और उसके बाद हमें और एक इफ़ लगाना है तो हम एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस इफ़ के पहले
एल्स लगा लेता हूँ। तो अब ये वाली कंडीशन को भी हम रन करके देख लेते हैं। तो हमें अभी भी यू कैन नॉट हैव द आइसक्रीम ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 110। 110 डालने के बाद अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो यू कैन हैव ए पिज़्ज़ा लिख के आ रहा है। तो आपने देख लिया हमें हमारा आउटपुट मिल चुका था। अगर मैं यहाँ पर ये एल्स ना लगाऊँ तो क्या होगा? अगर मैं ये एल्स को यहाँ पर अगर स्किप कर दूँ तो 110 ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी वैल्यू है, हमारे पास 110 रुपए है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो प्रिंट हो जाएगा। पर उसके बाद ये वाले इस पे हम फिर से आएंगे, जब हम सेकंड वाले इफ पे आएंगे तो ये कंडीशन भी ट्रू होंगी। ये कंडीशन भी ट्रू होने के वजह से जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हो जाएगा, और ये एल्स तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर एक भी स्टेटमेंट प्रिंट हुआ तो एल्स वाला स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट होता है, वो प्रिंट नहीं होता है, तो एल्स नहीं होगा। पर ये वाली फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इसे भी रन करके देखेंगे आप अगर, तो देखिए दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। मोस्टली यहाँ पर मैं हर कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एक वन लाइन स्टेटमेंट है, तो मैं ये कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इन्हें स्किप कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे तो मैं इन्हें एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ये रन करेंगे देखिए, फिर भी ये रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। तो आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट जो है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ये अच्छे से समझ आ चुके होंगे ये एग्जांपल के थ्रू। तो ये बस यही चीज़ें होती है इफ एल्स में, आप जितने चाहे इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ उसके अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं। एक इफ कंडीशन लगाई तो उसके अंदर भी एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।